तो लास्ट दो वीडियो में हम लोगों ने लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस और लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस को देख लिया। एंड लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे दो केसेस को सॉल्व करके हम लोग केस वन और केस टू को सॉल्व करके लेजेंडर पॉलिनोमियल फॉर फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड पी एन एक्स और क्यू एन एक्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे आज के देख रहे हैं कि रॉड्रिक फार्मूला क्या होता है। इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला रिगार्डिंग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू रॉड्रिक फार्मूला पी एन एक्स दैट इज लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड पी एन एक्स इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर एन फैक्टोरियल एन डी टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन दैट इज एन एफ डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर माइनस वन टू द पावर n। अब इसको हम लोग प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेबनीज थ्योरम, जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेमेस्टर में मैथ सब्सिडरी पेपर में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम लोग उसका ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ करेंगे और ईजिली इस रॉड्रिक फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ करेंगे। सो फॉर दैट लेट v इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 to the power n and taking the first order derivative of v that is dv by dx is equal to, so इसका हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे इस टर्म का, तो इस टर्म का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा n of x square minus n minus 1 और x square का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। Now multiplying both side by x square minus 1, दोनों साइड हम लोग x square minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड पार्ट हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एन एक्स स्क्वायर माइनस वन एन माइनस वन है, पावर वन यहाँ पे है, ये पावर वन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पावर वन और माइनस वन ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन इंटू एक्स। नाउ एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन, ये जो हमारा वैल्यू है ये हम लोग कंसिडर कर चुके हैं इक्वेशन नंबर वन में v, तो इसके जगह पर डायरेक्टली हम लोग पुट कर देंगे v यहाँ पे। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एन वी एक्स यूजिंग इक्वेशन वन एंड v हम लोग इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर टू। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन टू n प्लस वन टाइम्स बाई यूजिंग लेबनीज थ्योरम वी गेट। सो लेबनीज थ्योरम हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। लेबनीज थ्योरम किसी भी दो फंक्शंस के प्रोडक्ट के nth डेरिवेटिव को फाइंड करने में यूज़ किया जाता है। सो nth डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए हम लोग लेबनीज थ्योरम यूज़ कर रहे हैं और इसको n प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस टर्म्स को हम लोग हमेशा v लेते हैं और इसको हम लोग u लेते हैं, लेबनीज थ्योरम का जो फॉर्म होता है उसमें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका एन प्लस वन डेरिवेटिव, तो ये पहले से ही एक ऑर्डर डेरिवेटिव हो चुका है, तो एन प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा एन प्लस टू वी डी एक्स टू द पावर एन प्लस टू। नेक्स्ट टर्म विल बी एन प्लस वन सी वन, इसका डिफ्रेंशिएशन और इसका डिफ्रेंशिएशन डिक्रीज करेगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो गया टू एक्स और इसका डिक्रीज करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया d to the power n plus 1 dv v x to the power n plus 1। next nc2 2x का differentiation हो गया 2 और इसका differentiation एक differentiate घट के हो गया d to the power n v dx to the power n। next हमारे right hand part है, यहाँ पे 2n constant है, इसको बाहर निकाल लेंगे, v का n plus 1 derivative हो जाएगा x times n to the d to the power n plus 1 v dx to the power n plus 1 और फिर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये n plus 1 c1 होगा dn v dx to the power n और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं और सबको अरेंज करके लिखेंगे, सारे टर्म्स को हम लोग लेफ्ट हैंड पार्ट में लेके आ जाते हैं और सबको अरेंज करके लिख लेते हैं। इसके बाद हम लोग n प्लस वन सी वन इसका वैल्यू होता है हमारा, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे एक करके और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो एन सी वन एन सी आर इसका वैल्यू होता है हमारा
फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल एन प्लस वन है तो ये हो जाएगा एन प्लस वन सी आर, तो ये सी वन है यहाँ पे, सॉरी सी वन है, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल वन एंड देन एन प्लस वन माइनस वन दैट इज फैक्टोरियल एन। तो ये एक्चुअली हो गया एन प्लस वन डिवाइड बाय फैक्टोरियल एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू फैक्टोरियल एन प्लस वन इंटू फैक्टोरियल एन, और नीचे में पहले से मेरा फैक्टोरियल एन है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएंगे एन प्लस वन, तो यहाँ पे हो गया एन प्लस वन। उसी तरह से ये हो जाएगा हमारा n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये सारे वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ये हो जाएगा x स्क्वायर d n टू द n प्लस टू v dx एक्स एन प्लस टू प्लस टू एक्स डी एन प्लस वन वी डी एक्स टू द पावर n प्लस वन माइनस n n प्लस वन डी एन वी डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू जीरो। ना हम लोग मान लेते हैं लेट डी एन वी डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू वाई, तो ये टू एन प्लस वन से एन से टू ऑर्डर डेरिवेटिव और ज़्यादा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। उसी तरह से ये टर्म हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से, और डी एन वाई डी एन वी डी एक्स एन टू ये हमारा वाई पहले से लिए ये वाई हो गया। इस इक्वेशन को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें फॉर्म को, वन एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके सारे को चेंज कर दें, रीअरेंज करके लिख लें, तो ये हो जाएगा हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन वाई इज इक्वल टू जीरो। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम लोग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। तो दिस प्रूफ दैट this shows that y is equal to dnv by dx to the power n is a solution of legendre differential equation। मान लेते हैं ये इसका मतलब, इससे ये इस equation से हमारा आ रहा है, इसका मतलब ये इसका differential equation का एक solution है। so if this is a solution that हमारा ऐसे legendre differential equation का solution क्या होता है, pnx होता है, और ये भी इसका solution है, तो ये इसके बराबर होगा obviously। अगर ये इसके बराबर हो तो मान लेते हैं डी एन वी डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू पी एन एक्स एंड विच इज सी टाइम्स दिस। सी एक हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। नाउ वी का वैल्यू हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस वन टू द पावर एन। इस एक्स स्क्वायर माइनस वन को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी that will be equal to x plus 1 to the power n and x minus 1 to the power n। अब इसको हम लोग nth order derivative लेंगे। nth order derivative में सबसे पहले terms को हम लोग इसको left रख देंगे, इसको v मानेंगे और इसको u करके इसको differentiate करेंगे। so first order में इसका differentiation हो गया। अब जैसे हम लोग Leibniz theorem में use करते हैं कि इसका differentiation होगा और इसका differentiation क्या होगा, decrease करेगा, तो nc1 इसका डिफरेंशिएशन हो गया n टाइम्स x प्लस वन टू द पावर n माइनस वन, और इसका एक डिफरेंशिएशन घटा और ये घटते घटते लास्ट में जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज x माइनस वन टू द पावर n, इसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। नाउ व्हेन x इज इक्वल टू जीरो देन डी एन वी डी एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 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 द पावर n फैक्टोरियल n। कैसे? तो अगर जैसे अगर हम x इज इक्वल टू वन पुट करेंगे तो सिर्फ इसी टर्म में हमारा वन प्लस वन टू द पावर n होगा। इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, x माइनस वन का टर्म यहाँ पर भी है, x माइनस वन का टर्म यहाँ पर भी है, सिर्फ फर्स्ट टर्म है जहाँ पे x माइनस वन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे जीरो नहीं हो रहा। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया टू टू द पावर n, और हम लोग जानते हैं कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव से अगर किसी भी फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं तो इसका वैल्यू हो जाएगा n फैक्टोरियल, तो इसका वैल्यू हो गया हमारा n फैक्टोरियल। बाकी सारे टर्म्स में x माइनस वन का एक टर्म है इसलिए ये जीरो हो जाएगा। सो ऑल द अदर टर्म्स डिसअपीयर एज x माइनस वन इज ए फैक्टर इन एवरी टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म।
सो व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 हमारा वैल्यू हो गया इसका ये। अब ये वाला वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग वैल्यू सब एज्यूम किए थे इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 4 हमारा हो जाएगा c टाइम्स 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n pn 1 इज इक्वल टू 1। हम लोग जानते हैं कि pn 1 का वैल्यू जो है 1 होता है, इसको हम लोग इस अलग से इस डेरिवेशन को करेंगे कि pn 1 का वैल्यू कैसे 1 होता है विद द हेल्प ऑफ जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन हम लोग अलग से इसका देखेंगे कि जनरेटिंग फंक्शन को यूज़ करते हुए pn 1 का वैल्यू 1 क्यों होता है। हम लोग यहाँ pn 1 को डायरेक्टली वैल्यू हम लोग एज्यूम है कि इसका वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम 1 पुट कर दिए। नाउ c इज इक्वल टू, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो c का वैल्यू हो गया 1 बाई 2 टू द पावर n n फैक्टोरियल। लेकिन हम लोगों ने एज्यूम किया था शुरू में ही कि pn x इसका वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देंगे तो 1 बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल n n v x टू द पावर n हो गया। और ये v क्या था, हम लोगों ने सब्सिट्यूट किया था शुरू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रोड्रिक फॉर्मूला हो गया। तो ये काफ़ी ईजी डेरीवेशन था जिसे हम लोग ईजिली विद द हेल्प ऑफ लेबनिज़ थ्योरम ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस रोड्रिक फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑफ लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।